ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নমস্কার, দেখছেন বিপি আনন্দ, আপনাদের সঙ্গে আমি কুসুমিতা। ইডি দপ্তরে পৌঁছলেন রিয়া চক্রবর্তী। সুশান্তের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, 15 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি মনোজ বর্মার সঙ্গে। মনোজি, দো সওয়াল আপসে করেঙ্গে। পহলি বাত কি ইন্টারোগেশন ক্যা স্টার্ট হুই হ্যায় ইডি দপ্তর মে, অর উসকে বাদ জো জাননা চাহেঙ্গে কি পহলে হাম লোগো কো জেসে পতা থা কি রিয়া কে জো ওকিল হ্যায় উনহোনে জেসে বতাই দি কি ইডি কে দপ্তর পে নেহি আয়েঙ্গি রিয়া, অর উসকে বাবজুদ ভি আজ উসনে ডিসিশন বদলা অর आए हैं वो ईडी दफ्तर में इंटरोगेशन के मुकाबला करने। क्यों ये डिसीजन चेंज किया, कुछ प्रेशर था उनके ऊपर? किसी को डिसीजन नहीं चेंज किया है। जब रिया चक्रवर्ती के वकील ने एप्लीकेशन लगाई थी कि रिया चक्रवर्ती आज पेश नहीं हो पाएंगे ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है, और उन्होंने कुछ और वजह भी रखी थी नहीं आने के लिए, लेकिन इस एप्लीकेशन को ईडी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आज ही आना होगा, हमें पूछताछ आपसे आज ही करनी है। तो अभी से कुछ देर पहले ही रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस में पहुंची है। अब तमाम सवाल है ईडी के पास उनसे पूछने के लिए, सवालों की लंबी फहरिस्त है जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की जो शिकायत है, उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि 15 करोड़ रुपए एक साल के अंदर गायब हो गए सुशांत सिंह के अकाउंट से, वो अलग अलग अकाउंट्स में गए, तो वो कहाँ चले गए, उन सबका जो है ब्यौरा लिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट है उनसे भी जो है ईडी पूछताछ कर चुका है, और कल जो सैमुअल मिरांडा है उससे भी पूछताछ ईडी कर चुका है। तो अब रिया से पूछताछ बाकी रह गई थी, तो कहीं ना कहीं करिया अब ईडी जो है जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब मामला सीबीआई के पास भी जा चुका है। तो अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ने वाली है। आज ईडी के ऑफिस में पूछताछ है, और कहीं ना कहीं अब सीबीआई उनको पूछताछ के लिए बुलाएगा। जी बहुत शुक्रिया मनोज जी।